अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान ने लॉन्च की अपनी नई आर्मी, इन्हीं जल्लादों के हाथ में होगी अफगानिस्तान की कमान। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान पर आर्थिक संकट, सरकारी खजाने को हथियार के रास्ते बंद। विदेशी मीडिया के पत्रकारों पर तालिबानियों का हमला, सीएनएन की महिला संवाददाता थे बदसलूकी। तालिबानी आतंकियों ने सीएनएन की मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता को कवरेज से रोका, तालिबानियों की बदसलूकी का वीडियो जारी किया गया। कंधार में गुंडागर्दी पर उतार हुए तालिबानी, सत्ता में काबिज होने के बाद लूटपाट और जबरन वसूली में जुटे तालिबान। तालिबानियों का शोरूम से जबरन कार ले जाने की कोशिश करते हुए वीडियो वायरल, तालिबान शरीयत का पालन नहीं कर रहा है। कंधार में नवयुवकों पर भी तालिबानी लड़ाकों का जुल्म, राष्ट्रीय झंडा उठाने पर तालिबानियों ने युवाओं की पिटाई की। अफगानी नागरिकों पर तालिबान का जुल्म, अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने पर तालिबान लड़ाकों ने साइकिल सवार को जमकर पीटा। तालिबानी आतंकियों की बर्बरता की खौफनाक तस्वीरें, अफगानी नागरिकों के हाथ बांधकर बेरहमी से पिटाई, सरेआम लोगों से मारपीट। तालिबानी आतंकियों के दहशत से अफगानी नागरिकों में हाहाकार, महिलाओं और बच्चियों को सरेआम अगवा कर रहे हैं तालिबान। हिंदुस्तान पर बेनकाब हुए तालिबानी और उनके समर्थक, मां के सामने मासूम बच्चियों का अपहरण, तालिबान के खौफ से चारों तरफ महिलाओं की चीख पुकार। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आर्याना सईद ने छोड़ा देश, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी, कहा मैं जिंदा बच गई। तालिबानी राज में फिल्म समेत गाने बजाने पर रोक, तालिबान के डर से अमेरिकी कार्गो में बैठकर पॉप स्टार आर्याना सईद ने छोड़ा देश। अफगानिस्तान के इमामों और मौलवियों से तालिबान ने कहा, वतन छोड़कर जाने वालों को रोके इमाम और मौलाना। तालिबान के नेताओं ने मौलाना और इमामों से कहा, लोगों को शरिया कानून के फायदे बताएं। तालिबान की दहशत के बीच अफगानी देश छोड़ने को मजबूर, लोग अब भी एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़। काबुल एयरपोर्ट के बाहर की सैटेलाइट तस्वीरें, देश छोड़कर जाने वालों की भारी भीड़, एयरपोर्ट को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर लोगों का तांता। एयरपोर्ट के पास लोगों में तालिबान की दहशत, तालिबानियों पर लोगों को नहीं है भरोसा, बेवजह तालिबानी कर रहे हैं गोलीबारी। दहशत के बीच काबुल में तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बड़ी तादाद में लोगों ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान में लोगों के मन में तालिबान का खौफ, देश छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर रात भर लोगों का लगा रहा तांता। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का आने लगा असली चेहरा, बदगिस के पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला का सरेआम गोलियों से भून डाला। हाजी मुल्ला ने कुछ दिन पहले तालिबान के सामने किया था आत्मसमर्पण, बदगीस प्रांत पर कब्जे के बाद तालिबान की हवानियत सामने आई। अफगानिस्तान के नेशनल फुटबॉलर जकी अनवारी की यूएस के प्लेन से गिरकर मौत, काबुल एयरपोर्ट पर विमान में सवार होने के लिए मची थी भगदड़। अफगानिस्तान की पूर्व महिला फुटबॉल टीम कैप्टन खालिदा पोपल की खिलाड़ियों से अपील, जान बचाने के लिए शेड जला दो और सोशल मीडिया से फोटो भी हटा दो। तालिबानियों के हाथ लगे खतरनाक अमेरिकी हथियार, रिपब्लिकन बोले तय हो बाइडेन प्रशासन की जवाबदेही। काबुल में तालिबानी लड़ाकों की बर्बरता, दो छात्रों को तालिबानियों ने सरेआम पीटा, तालिबानी लड़ाकों के आगे खड़े होने पर की पिटाई। काबुल एयरपोर्ट की दिल दहला देने वाली तस्वीरें, नन्हे बच्चों और महिलाओं को एयरपोर्ट की दीवार पार करा रहे हैं सुरक्षाकर्मी, तालिबानियों से डर कर भाग रहे लोग। काबुल एयरपोर्ट पर बेकसूरों की भीड़ पर तालिबानियों ने चलाई गोली, बिना परमिट वालों को एयरपोर्ट के आसपास से हटने का जारी किया फरमान। आसमान से अफगानियों पर नजर रख रहे हैं तालिबानी, अफगान सेना के हेलीकॉप्टर से पूरे काबुल में तालिबानियों की पेट्रोलिंग। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अफगानी लोगों की भारी भीड़ की नई तस्वीर आई सामने, एयरपोर्ट के अंदर घुसने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं लोग, महिलाएं और बच्चे इस जमात में सबसे आगे। काबुल की सड़कों पर तालिबानियों के जुल्म का शिकार हो रहे लोग, अफगानी फ्लैग के साथ जा रहे शख्स को पीटा, बंदूक की बट से शख्स पर हमला। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तालिबान का कब्जा, AK-47 लेकर ऑफिस में घुसे तालिबानी, पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर अब्दुल्ला मजारी भी साथ रहे। अफगानिस्तान के जलालाबाद में मीडिया पर भी तालिबानियों का जुर्म, आदेश न मानने पर पत्रकारों को पीटा और हवाई फायरिंग भी की। अफगानिस्तान में तालिबानी दहशतगर्दों के बीच रिपोर्टिंग करती नजर आई बहादुर महिला पत्रकार, कहा तालिबानी आतंक के खिलाफ नहीं झुकेंगे। अफगान आर्मी के जवान का वीडियो वायरल, तालिबानियों के सामने हथियार डालने से इनकार, खुद को बताया सच्चा सिपाही। काबुल में बंदूक के दम पर शांति बहाल करने की कोशिशें, गाड़ियों पर मशीन गन के साथ इलाकों में गश्त लगा रहे तालिबानी लड़ाके, अफगान पुलिस की गाड़ियों में घूम रहे तालिबानी आतंकी। काबुल में तालिबानी कब्जे के विरोध में लोगों ने ऑटो रिक्शा से निकाला मार, हॉर्न बजाकर और अफगानी झंडा लहराकर जताया विरोध। काबुल में मासूमों पर गोलीबारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं, तालिबानी अत्याचारों से गुस्साई भीड़ ने किया जमकर प्रदर्शन। अफगानिस्तान में महिला शिक्षकों ने भी बुलंद की तालिबान के खिलाफ आवाज, कहा चलते रहेंगे स्कूल चाहे तालिबान कुछ भी कहे। काबुल में तालिबान के घुसने के बाद से अफरा तफरी का माहौल, दूसरे देशों में जाने के लिए बॉर्डर और एयरपोर्ट पर अफगानी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली।
कई मुस्लिम देशों ने अफगानी शरणार्थियों के लिए बंद किए अपने दरवाजे। पाकिस्तान और तुर्की ने अफगानियों को शरण देने से किया इनकार। बांग्लादेश ने भी अफगान नागरिकों को शरण देने से किया इनकार। हंगरी, ईरान, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सरकारों ने भी मुंह मोड़ा। अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने पर जो बाइडेन की सफाई का 31 अगस्त तक सभी लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका अपने कर्मचारियों को अफगानिस्तान की कजाकिस्तान करेगा शिफ्ट। अमेरिका के 300 नेशनल तो 300 इंटरनेशनल स्टाफ अफगानिस्तान में मौजूद। अगले हफ्ते G7 के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक की अध्यक्षता करेगा ब्रिटेन। बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति पर होगी चर्चा। अफगानिस्तान में ISI के इशारे पर भारतीय दूतावास की तलाशी ली गई। कंधार और हेरात में भारतीय कंसुलेट में ताले तोड़कर तलाशी ली गई। दूतावास के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी साथ लेकर तालिबान। अफगानिस्तान में जारी हलचल पर वेट एंड वॉच मूड में भारत। पीएम मोदी बोले, आतंक के जरिए साम्राज्य खड़ा करने वालों का अस्तित्व स्थायी नहीं। अफगान संकट पर नाटो देश की अहम बैठक आज। अफगानिस्तान के ताजा हालात पर वर्चुअली करेंगे चर्चा। एस जयशंकर ने की अमेरिकी विदेश मंत्री से बात। यूएनएससी की बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आतंकवाद का महिमा मंडन ना हो, कुछ देश आतंकवादियों की लगातार मदद कर रहे हैं। एस जयशंकर ने कहा, अफगानिस्तान के हालात चिंताजनक हैं, आतंकवाद की मदद करने वाले देशों को रोकना होगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अपनी छवि चमकाने के लिए तालिबानी अब टीवी का कर रहे हैं रुख। सरकारी चैनल पर अपना पक्ष रखते नजर आए तालिबानी। सेना के प्रवक्ता कारी यूसुफ अहमदी। अफगानिस्तान में अलग अलग इलाकों से तालिबानी हटा रहे हैं देश का झंडा। पूरे देश में तालिबानी सफेद झंडा लगा रहे हैं। आजादी दिवस पर लोगों को नहीं दी गई झंडा फहराने की इजाजत। अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने पर तालिबान ने 4 लोगों को गोली मारी। 2 शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। अफगानिस्तान में तालिबान के सामने खड़े हुए आम नागरिक, स्थानीय लोगों ने फहराया अफगानिस्तान का झंडा। हजारों की भीड़, मौके पर रही मौत। अमरुल्लाह सालेह की पार्टी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। सालेह के ऑफिस का भी ट्विटर सस्पेंड किया गया। तालिबान के डर से ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट डिलीट कर रही हैं महिलाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बन रहे हैं जमकर फेक अकाउंट। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद ठप पड़े लोगों के व्यापार। बंद बाजारों में चंद दुकानें ही खुली, आसमान पर चीजों के दाम। तालिबान चीन के गठबंधन पर तस्लीमा नसरीन का तंज। कहा, शिनजियांग में मस्जिदों को तोड़ रहा है चीन और अफगान में मस्जिद बनाएगा चीन। दिल्ली के जंगपुरा मेट्रो स्टेशन के पास अफगानी लोगों ने मनाया अपना आजादी दिवस। इस मौके पर दिल्ली में रहने वाले अफगानी बच्चे, महिलाएं शामिल। आजादी दिवस पर भावुक हुई अफगानी लड़कियां। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर बात करते हुए रो पड़ी। सियासत के लिए छलका ओवैसी का तालिबानी प्रेम। अफगानिस्तान में मचे कत्लेआम की तुलना भारत से की। कहा, अफगानिस्तान से ज्यादा यूपी के हरदोई में तबाही। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी बोले, तालिबान के दारुल उलूम से नहीं है कोई संबंध। तालिबान को दारुल उलूम से जोड़ना षड्यंत्र से कम नहीं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, आजादी से पहले बहुत से मुल्कों के लोग दारुल उलूम से पढ़े। तालिबान अगर अपनी सरकार में अच्छा काम नहीं करेगा तो सब बुराई करेंगे, हम भी करेंगे। फतेहपुरी मस्जिद के इमाम का शर्मनाक बयान। मुफ्ती मुकर्रम ने तालिबान की तुलना भारत से की। कहा, भारत की हुकूमत तालिबान से ज्यादा खराब है। अफगानिस्तान में फंसे आजमगढ़ के धर्मेंद्र चौहान के परिजनों की गुहार। वतन वापसी के लिए मदद करे सरकार। स्टील फैक्ट्री मालिक ने पासपोर्ट छीनकर करीब 28 लोगों को कमरे में बंद किया। तालिबानी आतंक से भारत में मौजूद अफगानी परिवार चिंतित। कनाडा एम्बेसी से शरण देने की गुहार लगाई। तालिबान के भरोसे को बताया झूठ का पुलंदा। तालिबान के खौफ से अफगानी बच्चों में दहशत। भारत में मौजूद परिवार में परिजनों की चिंता। दुनिया के देशों से लगाई सुरक्षा की गुहार। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत पर मेनका गांधी ने जताई चिंता। कहा, पूरी दुनिया के लिए खतरा है तालिबान। वो नहीं करते महिलाओं की कत्ल।